और अब बात करते हैं चालबाज चीन की। चीन चालबाज है, चीन इंटरनेशनल भूमाफिया है, चीन इंटरनेशनल नकलची है। और अब चीन के इन बदनुमा पहचान में एक और आधिकारिक इजाफा हो गया है कि चीन इंटरनेशनल चोर भी है। हालांकि चीन ने पहली बार कोई इंटरनेशनल चोरी नहीं की है, लेकिन इस बार चीन चोरी करते रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसके बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में उसके नए तमके का ढिंढोरा पीट दिया है। रिपोर्ट। दुनिया भर में चीन हुआ बदनाम, इंटरनेशनल चोर की लिस्ट में चीन का नाम। ट्रेड सीक्रेट चुराने अमेरिका गया था चीनी चोर, रंगे हाथ पकड़ा गया चोर, ढिंढोरा पीटा हर ओर। बीजिंग में बैठे बैठे अमेरिकी विभागों, संस्थानों और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को हैक करने की कोशिश में चाइनीज आर्मी नाकाम होने लगी तो जिनपिंग ने अपने साइबर आर्मी के हैकर्स को गुप्त ठिकानों से बाहर निकाला और अमेरिका रवाना कर दिया। चीन का ये सीक्रेट मिशन सीक्रेट ही रह जाता अगर अमेरिका की खुफिया एजेंसियां सतर्क नहीं होती, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के चौकन्ने होने से जिनपिंग के हैकर्स अमेरिका से अहम जानकारी चुराकर भाग नहीं सके। चीनी चोर अमेरिका से जानकारी चुराकर चीन जाने वाले प्लेन में बैठने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही वो अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हत्थे चढ़ गया और खुफिया एजेंसियों ने उसे एयरपोर्ट से दबोच लिया। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में एक चीनी रिसर्चर को व्यापार से जुड़े सीक्रेट चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हाउजू हू नाम के शख्स को चीन की फ्लाइट पर बैठने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर आरोप है कि बिना एक्सेस के ही उसने एक डेटा चोरी करने वाले डिवाइस से अमेरिका के प्रोटेक्टेड कंप्यूटर से ट्रेड सीक्रेट चुरा लिए। चुराए गए अमेरिकी ट्रेड सीक्रेट की मदद से चीन एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। वो एक तरफ अमेरिकी ट्रेड सीक्रेट की मदद से खुद का जेब भरना चाहता था और दूसरी तरफ अमेरिकी शेयर मार्केट को बर्बाद करना चाहता था, लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की मुस्तैदी से चालबाज चीन अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया। चीनी नागरिक को दो फेडरल अपराधों को लेकर आपराधिक शिकायत के कुछ दिन बाद चीन की फ्लाइट पर चढ़ने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। जस्टिस डिपार्टमेंट के बयान में आगे बताया गया है कि हाउजू हू को 25 अगस्त 2020 को शिकागो के ओहेयर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चीन के लिए फ्लाइट पकड़ने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया। प्रशासन की रूटीन स्क्रीन में पाया गया कि हू के पास बायो इंस्पायर्ड रिसर्च सिमुलेशन सॉफ्टवेयर कोड था, जो उसके पास किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, जिसमें वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के सदस्यों की सालों की रिसर्च और रिसोर्सेज डेवलपमेंट के रिजल्ट थे। दरअसल अमेरिका को सामने से टक्कर देने की चीन के औकात ने, लिहाजा अब जिनपिंग ने अपने शातिर चोरों को अमेरिका में चारों ओर फैला दिया है। दरअसल इन दिनों चीन की साइबर आर्मी के हमलों से अमेरिका पूरी तरह चौकन्ना है, जिससे चीनी हैकरों की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही है। इसी वजह से चीन ने अपने हैकर्स को अलग अलग प्रोफेशनल्स बताकर अमेरिका भेज रहा है, ताकि वो वहां रहकर अमेरिका के डिजिटल वर्ल्ड में सेंधमारी कर सके। नकल में माहिर चीन सिर्फ अमेरिका ट्रेड सीक्रेट चुराने में नहीं जुटा हुआ है, बल्कि वो दुनिया भर से कई ऐसे इनोवेटिव आइडियाज और इनोवेशन की हूबहू नकल कर अपने यहाँ तैयार करता है, जो उसे अपनी रिसर्च बताता है। चीन की इंटरनेशनल चोरी की लिस्ट लंबी है, जिसमें एक नाम चीन का स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 है। अमेरिकी F-35 की कॉपी करके बनी J-20, चीन अपनी जिस फाइटर जेट पर इतराता है, जिस J-20 लड़ाकू विमान को वो F-35 के मुकाबले खड़ा करता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीनी वैज्ञानिकों ने अब तक J-20 की जो खूबियां गिनाई, वो सभी खूबियां अमेरिकी जेट F-35 की हूबहू कॉपी है। लिहाजा इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन ने F-35 की फाइल चुरा ली हो। दरअसल स्टेल्थ फाइटर जेट अभी तक सिर्फ दुनिया के 3 देशों के पास ही है, अमेरिका, रूस और चीन, जिसमें से चीन का J-20 चोरी का आविष्कार बताया जाता है।
अमेरिका के मिनियापोलिस के फेडरल रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट कहती है कि चीनी कंपनियों के पास जितनी तकनीक है उसमें आधी से ज्यादा उन्होंने विदेशी कंपनियों से चोरी के जरिए हासिल की है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका को ट्रेड सीक्रेट चोरी से छोटा मोटा नहीं बल्कि सालाना $225 बिलियन यानी कि करीब 1,550 अरब रुपए से लेकर $600 बिलियन मतलब 4,146 अरब रुपए का नुकसान होता है और इस नुकसान के लिए अमेरिका सीधे सीधे चीन को दोषी मानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए आपको समझाते हैं कि इंटरनेशनल चोरी में चीन आखिर बदनाम क्यों है। इंटरनेशनल चोरी में चीन के बदनाम की वजह क्या है। डेटा चोरी के लिए दुनिया भर में चीन बदनाम हो चुका है। आपने देखा होगा दूसरे देशों की जासूसी बन गई है इसकी आदत। ये भी माहिर है चाहे वो अमेरिका हो चाहे अन्य देशों। अमेरिका से लेकर रूस तक रिसर्च की चोरी की है इसने, ये सबको पता है। कई बार चीजें सामने आई है, कोरोना के रिसर्च पेपर की चोरी भी इसने प्लानिंग की थी, ये भी सामने आई। यानी तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर लगातार चीन बेनकाब होता रहा है चोरी के मामले में।